हमारे साथ फास्टिंग थेरेपी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और सही प्रकार से उसको अगर कर रहे हैं तो आपको जरा भी नुकसान नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ते आए हैं, करते आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने शायद ये माना होगा या एहसास करा होगा कि हम इसलिए भी और बीमार नहीं हो रहे हैं और हम इसलिए भी और जवान दिख रहे हैं, क्योंकि जो 6 महीने में आप उम्र बढ़ा रहे हैं वो हर 6 महीने में नवरात्रि में डिटॉक्स करके और इस तरह की एक अच्छी फास्टिंग करके बॉडी में इतने सारे मिनरल्स और विटामिन सही तरीके के से नेचुरल फॉर्म में डाल करके अपनी बॉडी को अगेन रिवाइटलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा धीरे धीरे एक ग्रेसफुल एजिंग की तरफ जाना जिसमें आपकी इंटरनल ऑर्गेन्स की उम्र कम हो जाए और वो अच्छी तरीके से काम करें, ये नो डाउट उपवास सिखाता है और देता है। साधना का ये एहसास जिसमें आप कुछ खास चीजें ही चुनिंदा ईश्वरीय खाते हैं, ये एकदम अद्भुत है। ये करके देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज तो सिर्फ बातें हैं और बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं लेकिन हमारा विश्वास हमेशा उन गोलियों पे ज्यादा रहता है जिनके साइड इफेक्ट आपको गूगल पे दिखते हैं। पर जहां पर हमें नई रिसर्च नई तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर डिमोरलाइज करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो आप उन पर ना जाएं, आप खुद जो है कर करके देखें इसको। और अगली बार नवरात्रि में हम अगेन जुड़ेंगे 1 हफ्ते पहले से। आप हमारे इंस्टाग्राम हेल्थ इज वेल्थ ग्लोबल के नाम से है, आप हमारा फेसबुक जो कि HIW होलिस्टिक क्लिनिक के नाम से है, और मेरा फेसबुक सिंपल शिखा गुप्ता, इन सब पे हम लगातार फ्लैश कर रहे थे और कुछ लोगों ने मेरे से पर्सनली बहुत मैसेज किए कि हमें मैम पता नहीं चला। तो आप लोग पहले से उन सब पे लिंक रहिए क्योंकि व्हाट्सएप पे तो मैं ही ये जो ग्रुप है हमारा, मुझे लगता है 3 दिन बाद हम इसे डिसमेंटल करने वाले कर देंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और इसके सारे रिकॉर्डेड चैनल्स जितने वीडियोस हैं सारे रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। समय समय पर अगर आप फास्टिंग इस तरह की करना चाहें बिना नवरात्रि, वैसे ये पॉसिबल नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं और आप इस तरह के उपवास चिकित्सा को घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। बट हाँ, हम तब साथ नहीं होंगे आपको मोटिवेट करने के लिए। अभी क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है और वो हम आपको भी शेयर कर रहे हैं, और आपके साथ क्या हो रहा है आप हमको भी शेयर कर पा रहे हैं। हाँ, आपकी जिम्मेदारी हम जरूर लेंगे, ऑनलाइन रहते हुए हर दिन आपको डाइट प्लान लिखेंगे और एक वाइट वाटर थेरेपी हाइड्रोथेरेपी की तरफ ले जा सकते हैं, तो अगर वो आपको पर्सनली चाहिए तो आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं। आज हम लोग हैं फ्रूट फास्टिंग पे। जो लोग भी फास्टिंग के दौरान वजन कम कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो अव्वल तो एकदम से वो ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप हैवी फूड खाएंगे आइदर आपको लूज मोशन होने लगेगा आइदर आपको वोमिटिंग आने लगेगी। तो आपको सिर्फ सबसे पहला काम ये करना है, आज का डाइट प्लान आपके पास है, कल आपको धीरे धीरे चीजों को बढ़ाना है। सबसे अच्छा बढ़ाना क्या होता है, आप फलों को जारी रखिए, आप सुबह का रेजिन जारी रखिए, आप नींबू पानी शहद एज इट इज लीजिए, सब्जी बनाइए ना, वेजिटेबल ऐड कीजिए, तो कुक्ड वेजिटेबल आप लौकी बंधा इस तरह की सॉफ्ट सब्जियां आप स्टीम्ड कर लीजिए या पका लीजिए 1 चम्मच ऑयल में, जब वो पक जाए आप उसको खाइए, तो थोड़ा थोड़ा रफेज होगा, जितनी आपकी भूख है जितनी क्वांटिटी है उससे कम रखें, ठीक है। तो सप्तमी के दिन हमें थोड़ा सा नट्स ऐड करने हैं, मखाने मूंगफली है सिंघाड़े की कढ़ी है या सब्जियां, तो सबसे अच्छा होता है सब्जियां ऐड करना। अगर स्पेस कम है कि आप अष्टमी को ऑयली खाना खाने वाले हो तो आप थोड़ा प्रोटीन ऐड कीजिए, मतलब थोड़ा सा आपने 4-5 चम्मच कर्ड खाया, ठीक है, दही खाया उसमें जैगरी डाली, तो अभी आपने जैसे चाय नहीं पी है तो कल आपने थोड़ी सी आधी कप चाय ली, ये नहीं एक ग्लास भर के चाय पी ली भाई, मिली है 5 दिन बाद, शिखा जी ने एकदम दम कर रखा था, तो वो ना करें, ठीक है, उससे एक्चुअली मोशंस लूज होने लगेंगे और आप अगर ऐसे तोड़ेंगे आप देखेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और आपके वजन पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा से ज्यादा 1 kg का फर्क आएगा, ठीक है। और आप उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो आपने समझ ली कि कल हमको क्या डाइट फॉलो करनी है, सब्जियां ऐड करनी है सुबह और शाम, बॉइल्ड आलू हो सकता है और अगर आप आलू की तरफ ना जाना चाहें तो लौकी की सब्जी बेहतरीन होती है, आप उसको बनाइए कैसे भी करके, कुकर में 1 चम्मच ऑयल के साथ बनाइए, टमाटर के साथ बनाइए और आलू की रसेदार सब्जी बनाइए, सब्जी खाइए, वो आपको अच्छा सेटिस्फेक्टरी फील देगी। सिंघाड़े की कढ़ी खाइए, दूध अगर थोड़ा सा यूज करना है ठंडा दूध रामदाने के साथ खाइए, बादाम का दूध बनाना है थोड़ा हैवी होगा तो कम कम क्वांटिटी में दूध दही ये सब ऐड कर सकते हैं, सब्जी ऐड कर सकते हैं, नट्स अपने हिसाब से ऐड कीजिए, अगर आपको अगले दिन चॉइस नहीं है तोड़ना है व्रत तो आप नट्स भी ऐड कर लीजिए, मूंगफली मखाने वगैरह, फलों को 2 बार जरूर से खाइए थोड़ा सा,
उसके बाद आप अष्टमी वाले दिन जरूर से एक पूरी खाइए अगर आप नवमी को नवरात्रि तोड़ना चाहते हैं। अष्टमी तोड़ना चाहते हैं तो आपको सप्तमी में थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, और एक टाइम आइदर एक या दो, वो भी मत करिएगा कि कुटू की पूरी मिली है, पहली नवरात्रि तो मैंने खिलाई नहीं, तो फिर चार पांच खा लिए अच्छे से, दो खाइए बहुत है, दो मन भर जाता है। और देखिए उसका एक प्रोविजन है जो मैंने सीखा है कि आपको जो भी खाना है आप उसमें लगा लीजिए कि भाई यही पर्याप्त मील है, प्रार्थना करके बैठ जाइए और बहुत धीरे धीरे चबा चबा के हाथों से खाइए, ठीक है, बहुत धीरे धीरे खाइए, जितना व्यक्ति दूसरा खा रहा है उससे बहुत धीरा खाइए, पूरा सलाइवा मिक्स हो जाए आनंद के साथ। आपका मन तो नहीं भरेगा ये एग्री, लेकिन आपको लगेगा हाँ पेट भर गया है और हमें इतना ही खाना है, पर्याप्त खाना है। आप उसके साथ सलाद थोड़ा ज्यादा काट लीजिए, थोड़ा दही रख लीजिए, ऐसे करके चीजें डिजाइन कर लीजिए कि प्लेट आपको भरी लगे और जब आप उठें तो पेट भर चुका हो। अगले दिन जब आप खाएंगे हलवा चना पूरी मन भर के खाने वाले हैं आप, तो फिर आपको एक मील दोपहर का स्किप करना चाहिए, उसमें आपको खीरा ककड़ी या फल खाना चाहिए और फिर शाम को मील खाना चाहिए। तो आप अपनी बॉडी को आगे आने वाले समय में दो मील पे सेट कीजिए, 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग, दो बार कुक्ड फूड ही खाना है, कुक्ड फूड को हाथ लगाना है, एक बार अच्छी क्वालिटी प्रोटीन के लिए होल ग्रेन्स का सहारा लेना है। तो आइदर स्विच फॉर भुने हुए चने मूंगफली, आइदर एक मुट्ठी आपका साबुत मूंग, साबुत चना, अंकुरित मूंग, राजमे, छोले, मटर, काइंड ऑफ चीजें हो सकती हैं। ये आपको एक स्टैग्नेंट वेट पर स्टे करेंगी, पर हाँ हमेशा ही मैंने भी वजन कम किया है, पर कल से ही मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है, तो आप सोचें कि इस तरह की फास्टिंग से आप अच्छा वजन, मैं 3 किलो और कम करना चाहती थी अगर नवमी नहीं होती और मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता, मैं कहीं चली जाऊं तो मैं और कर लेती, 52 पे आ जाती बढ़िया, और 2 किलो बढ़ा के अपना जो मेरा नेचुरल वेट है उस पे रखते। लेकिन हमें मालूम है हम एक सोशल दायरा है और हिंदुस्तान में मोहब्बत जो है वो पेट से ही आती है, साथ में आप खाएं ना तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते, आपको फिर तलाक ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर साथ रहना है तो आपको अनशन खाना ही पड़ेगा, उसके एवज में आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं ये आप समझिए। तो सबसे बड़ी बात है 12 घंटे की फास्टिंग की, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, 8 से 8 कर सकते हैं, 9 से 9 कर सकते हैं, सबसे आइडियल है 7 से 7, है ना, 7 साढ़े 7 से सुबह 7 साढ़े 7 तक आपको सिर्फ गर्म पानी और पानी पीने की इजाजत है, कुछ भी मत खाइए, कुछ भी नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और ये तभी होगा जब आप अच्छा खाना खाएंगे। अगर आप सिर्फ फल पे सोचेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो कुछ तय समय के लिए हो सकता है। दूसरा, हफ्ते में एक दिन की फलाहार उपवास, जिसमें अगर आपको चाय पीनी है तो वो ब्लैक टी आपका हिस्सा हो सकती है, जिसमें आप चीनी ना खाएं, और जब आपको चीनी की क्रेविंग हो तो आप खजूर खाएं। अगर आप इस तरह का फ्रक्टोज शुगर बढ़ाते हैं और हफ्ते में एक दिन फ्रूट फास्टिंग करते हैं तो आप बच जाएंगे, जितना वजन आप 1 किलो बढ़ाएंगे वो आप 500 600 700 ग्राम कम कर चुके होंगे, और जो आप 6 महीने में बढ़ाएंगे उसके लिए हम फिर से नवरात्रि में जोड़ेंगे कम करने के लिए, इतना इजी साइंस है, ठीक है। और तीसरी बात, दो मील पे सेट कीजिए, अगर आपको आप बाहर निकलते हैं तो सुबह खाना खा के निकलिए, दोपहर में दही छाछ इस तरह का कुछ लीजिए और शाम को आके खाइए, और अगर आप घर में रहते हैं तो आप सुबह फलाहार करना प्रेफर करिए और 12 से 1 बजे एक अच्छा लंच लीजिए, इवनिंग में पुदीने का मिल्क का कोई भी चीज लीजिए और शाम को अपना खाइए। अगर रफेज की दिक्कत है, एजिंग के साथ बढ़ रहे हैं, तो दलिया और मिलेट्स की उपमा तहरी इस टाइप को एक अच्छा वो दीजिए। बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में है उपमा पोहा, मैम ये तो नाश्ता है, नहीं ये खाना है, नाश्ता कब है, अगर वो अनाज है तो वो खाना है, मतलब वो 3 मील आप खा रहे हैं, ब्रेड का भी खा रहे हैं तो वो मील है, तो अगर आपको वो खाना ही है तो आपको वो 7 बजे खाने का ही उसको मान लेना चाहिए, खाना खाया आप, कभी ऐसा मत करिए कि आपने 2 ही सैंडविच तो खाई है, वो सैंडविच आपका खाना ही है, वो लंच का हिस्सा नहीं हो, वो स्नैक्स नहीं हो सकता, ना वो स्नैक्स हो सकता है ना वो ब्रेकफास्ट हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट शुड बी रामदाना दूध हो सकता है, छाछ हो सकता है, कर्ड में फ्रूट्स मिला के हो सकता है, दूध का सब्जी फलों का स्मूदी हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स हो सकता है, और बहुत ज्यादा है तो चने वने हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो ड्राई रोस्ट किए हुए, बाकी आप इनमें से खाइए, प्रोटीन डाइट लीजिए, अदरवाइज फलाहार कीजिए। सबसे अच्छा है दूध दही में से कुछ एक चीज और एक फलाहार और सुबह भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, इस पे संतुलित कीजिए, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं कुक्ड खाना है तो आप दोपहर में ये शिफ्ट कर दीजिए, यही सारी चीजें। अभी बात लगभग समझ में आ गई है, बहुत सारा
तो बताने को होता है, पर ये इंडिविजुअल सेशन लिए जाएं आगे तो ज्यादा अच्छा है, तो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सुबह भी मैंने बाहर के लोगों की दो कंसल्टेशंस दी हैं, तो आप हमारे टाइम पे एक जूम सेशन पे जुड़ेंगे जिसमें हम वीकली असेसमेंट करते हैं, जिसमें आप ठीक होते चले जाते हैं। कल का दिन जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, एक फीडबैक है सबके लिए ही होगा वो, तो वो अच्छा रहेगा अगर आप एक थोड़ा सा सोच लेंगे और 2-3 मिनट में अपना असेसमेंट करके रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि आपने कितनी बार से कर रहे हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है और कैसे कैसे आपने एग्जीक्यूट किया और कितना अच्छा आपको लग रहा है। वो आप अगर शेयर करेंगे तो लोगों का और आत्मबल बढ़ेगा। अभी क्योंकि सब लोग शायद बिजी हैं इसलिए कम जुड़ते हैं, पर हाँ मेरे वीडियो को लगभग 60-70-80 लोग देखते हैं। इसका मतलब जो 150 लोग जुड़े हैं ग्रुप पे उसमें से कुछ एक मुझे लग रहा है 80-80 लोग कर रहे हैं। अगर 80 लोग तक भी बात पहुंच रही है तो मुझे लगता है कल 20 लोग कम से कम होने चाहिए मेरे पास जो कि हमारे को फीडबैक दें कि वो ये कर रहे हैं। अगर वो लोग कहीं और हैं और टाइमिंग्स मैच नहीं करते हैं कल 12 बजे के US में हैं और जगहों के, तो वो अपना एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना करके मुझे भेज सकते हैं। अगली बार से हम एक फॉर्म के तहत मिलेंगे जिसे हम उन्हें डंडा कर सकें कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो पब्लिकली आप सामने आइए, बताइए लोगों को, ठीक है, जिससे और लोगों का भी आप उद्धार कर सकें। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सारे वीडियोस में सबने सेशंस हैं मेडिटेशन के, तो आप उस पे जा करके उसको देख सकते हैं। ये अभी भी जारी है मेरा जूम का सेशन, तो मैं सोच रही हूँ इनको वापस रिकनेक्ट कर लेती हूँ, और शायद मेरा नाम अभी आया भी नहीं है तो इनको भी साथ में मैं इनका हौसला अफजाई मैं कर भी लूँ और इनसे ले भी लूँ, ऐसा मैं चाह रही हूँ। तो कल मैं 12 बजे फिर से कनेक्ट करती हूँ आपके साथ, और आप सभी एक अच्छे फीडबैक के लिए तैयार रहे, जो हमारे योद्धा है वाटर फास्टिंग वाले खासतौर से वे। तो अभी विदा लेते हैं, धन्यवाद।